भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर की नादेही चीनी मिल में। यहां पिछले 3-4 दिन से मिल बंद है, लोग किसान यहां गन्ना तुलवाने के लिए भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। यार्ड में बताते हैं कि 200-300 ट्रालियां खड़ी हुई हैं और यहां बैगास न होने के कारण मिल नहीं चल पा रही है, किसान परेशान है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ये पता चलने पर यहां मौके पर पहुंचे हैं। ये चीनी मिल में ये किसानों से बातचीत कर रहे हैं। जब जिसका टोकन नहीं बना गरीब का, वो ट्रैक्टर ले जा रहा है यहाँ से, तो उसे भी प्रूफ देना पड़ रहा है कि नहीं ट्रैक्टर नहीं भेजेंगे, यानी वो अपनी सेंटर की पर्ची भी ना डाले फिर तो यहाँ से अपना वाहन यहीं फांस के खड़ा हो जाए। यह व्यवस्था, ये गन्ना तुलवाने के लिए आए किसान अपनी समस्या से भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। अब साहब कर्मचारी क्या करेंगे बेचारे, वो तो अगर चला दोगे काम स्टार्ट कर देंगे। आपसे सवाल करूंगा, आप कर क्या रहे थे, आप ये तो बताइए मुझे। हेलो, ठीक। नादेही चीनी मिल के ये एक अधिकारी यहाँ सामने मौजूद हैं। वर्करों को थोड़ा लिहाजा सिखा दीजिए। तो आपका क्या शुभ नाम है? अभी जीएम साहब आ रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए। नहीं, आप अपना बता दीजिए कि किस पद पर हैं यहाँ। मैं इंचार्ज सीसी हूँ। इंचार्ज सीसी, क्या शुभ नाम आपका? खीमानंद सनवाल। तो देखिए, अभी ये यहाँ किसानों से और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से ये इंचार्ज सीओ बात कर रहे थे और इन्होंने जीएम साहब से दूरभाष पर वार्ता की है चीनी मिल चलाने के संबंध में। तो चीनी मिल जीएम साहब कहीं बाहर गए हुए हैं, वो मौके पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद क्या स्थिति बनती है तभी पता चल पाएगा। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।